प्रमेय तीन, कथन। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ज्ञात है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है तथा ए बी उसकी एक जीवा है तथा ओ एम लंब है ए बी से। सिद्ध करना है रेखाखंड ए एम बराबर रेखाखंड एम बी। हमें सिद्ध करना है रचना। ओ को ए और बी से मिलाइए। उत्पत्ति। त्रिभुज ओ एम ए तथा त्रिभुज ओ बी एम में। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास त्रिज्या OA और त्रिज्या OB ये बराबर है क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं जो कि आपस में सदैव बराबर होती है। एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि OM दोनों त्रिभुज में OM और बराबर OM लिखे क्योंकि ये दोनों दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा है ये। उसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुज में त्रिभुज ओ कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी, ये जो है यहाँ पे ये जो दोनों कोण हैं कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी ये समकोण है। ये दोनों दोनों त्रिभुज में ये समकोण है। समकोण है तो त्रिभुज ओ एम ए सर्वांग सम है त्रिभुज ओ एम बी से। यहाँ पे हमने समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से समकोण कर्ण भुजा सर्वांगतम समता से दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध किया है। अतः ए एम बराबर है एम बी से। यहाँ पे हमने सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बताया है। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, ये दोनों ए एम बराबर बी एम सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे
सिद्ध किया कि AM बराबर MB जो कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग है, यह इस प्रमेय में हमें सिद्ध करना था। इस प्रमेय का विलोम क्या है? क्या वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है?